योग समिति जिला कबीर धाम के द्वारा यहाँ पर पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के मार्गदर्शन में प्रातः काल 8 बजे से प्रारंभ किया गया है और लगभग अभी कितने हजार यहाँ पी चुके होंगे भैया? अभी लगभग 8 से 10 हजार लोगों को हमने यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से काढ़ा पिला चुके हैं और साथ ही साथ कई लोग घर से बाटल लेकर के गिलास लेकर के आ रहे हैं, उसमें भी यहाँ से दिया जा रहा है। लगभग ऐसे ऑल टोटल दिया जाए तो कप के हिसाब से अगर इनको तय किया जाए तो कम से कम 12 से 15 हजार लोगों को हम यहाँ से काढ़ा दे चुके हैं और यह अंतिम समय चल रहा है, आखिरी समय है। 8 से 12 का ही समय था, इतने ही समय में हम जागरूकता लाने की दृष्टिकोण से ताकि घर में लोग अपने घर में इस गिलोय तुलसी अदरक काली मिर्च और हल्दी का मिक्स करके इसका काढ़ा बना करके घर में चाय के जगह में उपयोग करें जब तक कि इसका भय है इस कोरोना वायरस का। इसलिए कार्यक्रम आयोजित पतंजलि योग समिति जिला कबीरधाम की ओर से हमारे सभी कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे तहसील प्रभारी, सभी भाइयों द्वारा मिलकर के यह कार्यक्रम आयोजित है। तो भैया जी अभी आपको बताएं, प्रत्यक्ष रूप से 8 से 10 हजार व्यक्तियों को यहाँ दिया रही है। आपको मैं सीधे दिखाना चाहूंगा, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक सभी ने यहाँ पर इस दिव्य औषधि का सेवन कर रहे हैं, काढ़ा का। 8 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर दिया गया है और अभी भी जारी है। तो योग कपाल भाति अनुलोम विलोम भ्रामरी भस्त्रिका और आयुर्वेद में दिव्य गिलोई के साथ मिश्रित आयुर्वेद औषधि। तीसरी बात, ये 84 प्रकार के आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से निर्मित जिसको हवन सामग्री के रूप में आप उपयोग कर सकते हो। सीधी भाषा में कहें तो आप गोबर की कंडे और देसी गाय के घी और जावित्री और ये गिलोई की सूखी जो है इसके पाउडर को लगाएं, बिल्कुल इसके सुगंध मात्र से ही कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की बीमारी भी आपके गांव को और घर परिवार को नहीं छू सकता। ये दिस इज साइंटिफिक साइंस, विज्ञान इसको मानता है। जब भी हम जलाएंगे कोई भी चीज को तो वो नष्ट नहीं होता, ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में स्ट्रक्चर में जाकर के उसका फायदा होता है। तो आइए आप सभी को पतंजलि जिला कबीर धाम की ओर से पवित्र होली पर्व की हार्दिक बधाई और आयुर्वेद योग और यज्ञ के माध्यम से अपने तन मन को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। धन्यवाद।